हेलो फ्रेंड्स, मैं कल्पना कौशल। ये मेरी छत की छोटी सी बगिया है, जहाँ पे मैंने छोटे छोटे प्रयोग करके अपने ही घर से एक पौधों से अनेक पौधे बनाए हुए हैं। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो ज़रूर लाइक करिएगा और कमेंट्स करिएगा। हाँ, और पौधे लगाने का एक फ़ायदा तो ये है कि हमें सबसे अच्छा कि शुद्ध जो वायु है वो मिल जाती है पौधों से, और दूसरा चीज़ हमारा जो मानसिक शांति है वो हमें बहुत रहती है। पौधे लगाने से हमें जब इसकी केयरिंग करते हैं और जब इनमें फूल आते हैं तो हमारे मन की शांति जो योगा वगैरह करने से होती है वही आप समझिए इन पौधों को लगाने से भी होती है। ये देखिए, लिली के पौधे हैं। मैंने एक ही पौध से कई पौधे हो गए थे मेरे गमलों में, तो मैंने एक ही पौध से फिर कई गमलों में इनको लगाया हुआ है। ये देखिए, मैंने टोकरी मेरी बेकार पड़ी हुई थी तो मैंने ये टोकरी में भी पालक लगा दी हुई है। और ये देख, मैंने सीमेंटेड क्यारियाँ बनवाई थी अपने छत पे। मेरी छोटी सी ही छत है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, और छोटी सी छत पे मैंने, ये देखिए, मेरा घर बन रहा था तो मैंने सीमेंटेड क्यारियाँ बनवा ली थी ताकि मैं इनमें थोड़ी बहुत अपने सुबह की मॉर्निंग की नाश्ते के लिए सब्जियाँ निकाल सकूँ। ये देखिए, मैंने पालक लगाई हुई थी और ये मुझे मुश्किल से अभी 20 या 25 दिन हुए होंगे पालक लगाए हुए। देख कितनी स्वस्थ और कितनी सुंदर पालक आई हुई है। ये देखिए, इसमें बिल्कुल भी मैंने केमिकल का प्रयोग नहीं किया है। ये घर के ही खाद और मिट्टी से ही ये मैंने पौध अपनी तैयार किए। देखिए, ये टमाटर हैं, देखिए कितने सारे और कितने स्वस्थ कितने सुंदर टमाटर लगे हुए हैं। एक ही क्यारी में करीब मैंने 4-5 पौधे लगाए हुए हैं। ये देखिए, मैं किसी भी प्रकार का कोई भी केमिकल अपने पौधों में यूज नहीं करती हूँ। ये मैंने, ये देखिए, गुच्छे के गुच्छे पौधों के हैं। ये देखिए कितना सुंदर है ये पौधे, देखिए, और एकदम स्वस्थ हैं। एक मैं कई 4-5 पौधे, 4-5 टमाटर एक ही साथ लगे हुए हैं। और ये मैंने 40% बालू, मिट्टी और नीम की पत्ती जो होती है उनको मैंने धूप में सुखा कर उनको क्रश करके पाउडर बना लिया था और मिट्टी में ही मिला के मैंने लगाया हुआ है। तो ये देखिए, पहले मेरी पालक में बहुत बारीक बारीक कीड़े लग जाते थे, काले काले। अब मेरी पालक इतनी स्वस्थ है, एक भी कीड़ा नहीं है, कुछ भी नहीं है। टमाटर भी बहुत स्वस्थ है और मैं ये घर पे ही अपना कुछ ना कुछ प्रयोग करती रहती हूँ पौधों के लिए, और प्रयोग करती हूँ तो मुझे इससे क्या होता है, पौधों के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज होने लगती है और फिर उसी को ही हम फिर कंटिन्यू रखते हैं। तो ये तो हमारी जानकारी के लिए हो करना चाहिए ताकि हमारा जो समय है वो सही से यूज हो सके और हमें इनसे कुछ मिल सके। ऑर्गेनिक खाद जो होती है उसका ही प्रयोग करें, ना कि केमिकल का। ऑर्गेनिक खाद हम घर पे भी अपने किचन से ही बना सकते हैं। इसके लिए हमें कहीं बाहर जाने कुछ लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और मैं ये फर्स्ट टाइम वीडियो बना रही हूँ तो आपको अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करिए और कमेंट्स ज़रूर करिए और शेयर भी करिए। थैंक यू।